हेलो दोस्तों, अभी तक आपने हमारा चैनल साइंस सपोर्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के रेड बटन को क्लिक कीजिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि हमारे चैनल के आने वाले हर अपडेट आपको मिलते रहे। मेरा नाम है सुमित सिंह और आप देख रहे हो सेम सपोर्ट। आज का टॉपिक है हमारा कुछ उन नए यूट्यूबर्स को लेके जो अभी यूट्यूब पे नए नए अपना चैनल बनाते हैं और वो बहुत ही गलत फहमी में रहते हैं कि हम गलत फहमी क्या बोले वो एक मतलब इसमें कंफ्यूजन में रहते हैं कि हम कौन से टॉपिक को लेके अपना चैनल स्टार्ट करें। जी हाँ, उसमें ये होता है कि कैटेगरी क्या चूज करनी है, उसमें बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। नए यूट्यूबर को यह समझ में नहीं आता कि मैं टेक कैटेगरी में जाऊँगी, प्रैंक कैटेगरी में जाऊँ, या तो कॉमेडी वीडियो बनाऊँ, या तो फिर मैं म्यूजिक वीडियो बनाऊँ, या तो फिर मैं कुकिंग बनाऊँ, या तो हेल्थ बनाऊँ, या तो ब्यूटी बनाऊँ। तो इतने सारे कैटेगरी यूट्यूब के पास हैं तो उसमें कन्फ्यूजन जरूर क्रिएट होती है बहुत से यूट्यूबर को, हमें खुद हुआ है। मैं खुद लास्ट में सोचते बाद में टेक में आया हूँ। तो ऐसे जितने भी नए यूट्यूबर हैं तो उनको बहुत सी दिक्कतें होती हैं यह चूज करने में कि हमें अपने चैनल के लिए कौन सी कैटेगरी रखना है। तो मैं आपको कुछ कैटेगरी के बारे में बताना चाहता हूँ, जो कि चार पांच जो अच्छे कैटेगरीज हैं जो इस समय अच्छे अर्निंग्स दे रहे हैं उसके बारे में ही बताऊंगा मैं। यूट्यूब पे अगर देखा जाए तो कई सारे कैटेगरीज हैं, मैं सबके बारे में एक्सप्लेन करूंगा। वीडियो 12 से 15 मिनट का तक हो जाएगा तो ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो मुझे ज्यादा लंबा नहीं खींचना। तो मैं आपको पांच ऐसे कैटेगरी के बारे में बताना चाहता हूँ जिसको अगर आप अप्लाई करते हो, जिसको लेके आप अगर वीडियो बनाते हो तो एक अच्छा अर्निंग कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। जैसे कि मेरा चैनल है टेक कैटेगरी, तो मैं आपको पहले बताऊंगा अगर टेक कैटेगरी में। जी हाँ दोस्तों, अगर टेक कैटेगरी आपको अप्लाई कर टेक कैटेगरी में आपको अगर चैनल बनाना है तो आपके लिए पहले तो टेक का कंटेंट होना चाहिए। अगर टेक का कंटेंट है और आपके वो कंटेंट के हिसाब से वीडियो क्वालिटी अच्छी रखनी है, साउंड क्वालिटी अच्छी रखनी पड़ेगी। साथ में बताना चाहता हूँ कि अगर आप टेक कैटेगरी में जाते हो वहाँ पे अर्निंग तो अच्छी है लेकिन यहाँ पे कॉम्पिटिशन ज्यादा है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो टेक कैटेगरी में रोज अगर देखा जाए कई सारे यूट्यूबर्स रोज नए आते हैं। तो अगर आप टेक कैटेगरी में एक बड़ा यूट्यूबर बनना चाहते हो तो ये शायद आपके लिए बहुत बड़ा मुश्किल टास्क हो सकता है। ऐसा तो देखा जाए तो मैं मुश्किल तो कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, अगर आप करने पे रहोगे, अगर आप बोलते हैं ना एक मेहनत करोगे तो आप टेक में भी सक्सेस जरूर पाओगे। लेकिन अगर देखा जाए, अगर इसके तौर पे मेहनत की नजरिए से देखा जाए तो बाकी कैटेगरी से ज्यादा और टेक कैटेगरी में ज्यादा मेहनत होता है। अर्निंग तो अच्छी मिलती है क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारे ब्रांड्स मिलते हैं जिसकी एड आपकी वीडियो पर आती है। क्योंकि आपका अगर टेक चैनल है तो इसकी जितनी भी एड्स आएंगे वो मोबाइल के एड्स आएंगे या तो इलेक्ट्रॉनिक्स के एड आएंगे, तो एड्स तो आपको बहुत अच्छे अच्छे एड्स मिलेंगे और अर्निंग भी अच्छा होगा, लेकिन इसमें कंपटीशन ज़्यादा है। तो अगर आप टेक में आना चाहते हो तो कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए फिर टेक में आइए। सेकंड बात करता हूँ प्रैंक और कॉमेडी की। अगर आप सोच रहे हो कि अगर मैं प्रैंक या कॉमेडी का चूज करता हूँ तो मैं कितना सक्सेस हो पाऊंगा, तो उसके बारे में बताना चाहता हूँ। अगर आप प्रैंक और कॉमेडी चुनते हो, अगर सीरीज वाइज आप कॉमेडी बना रहे हो, वेब सीरीज टाइप बना रहे हो, तो आप इसमें बहुत जल्दी सक्सेस पा सकते हो। जी हाँ दोस्तों, अर्निंग की जहां मैं बात करूँ, अर्निंग तो आपको टेक से कम होगी, ब्यूटी से कम होगी, ब्लॉग्स से कम होगी, लेकिन अगर फेमस और अपना चेहरा बनाना चाहते हो तो आप प्रैंक या कॉमेडी ले सकते हो। यहाँ पे सब्सक्राइबर बहुत तेज बढ़ते हैं क्योंकि हर कोई चाहता है कि उनको कुछ फनी चीज देखने को मिले, कुछ हंसने को मिले, कुछ कॉमेडी मिले, तो वो चैनल बहुत तेज सब्सक्राइब करते हैं। यहाँ पे सब्सक्राइबर और वॉच टाइम आपको बहुत अच्छे मिलेंगे, व्यूज बहुत अच्छे मिलेंगे यहाँ पे आपको कॉमेडी और प्रैंक चैनल में। तो इस पे अगर सर्वाइव करना रहेगा, अगर बहुत कम टाइम में ग्रो करना रहेगा तो आप प्रैंक और कॉमेडी चैनल में बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर सकते हैं। प्रैंक और कॉमेडी चैनल में अगर देखा जाए तो आप बहुत सारे साउंड इफेक्ट यूज करते हो, कुछ म्यूजिक यूज करते हो, तो यहाँ पे अर्निंग जो होती है वो डिवाइड हो जाती है। प्रैंक कॉमेडी में जो अर्निंग होती है वो डिवाइड होकर मिलती है, तो इसलिए थोड़ा यहाँ पे अर्निंग कम रहता है, लेकिन आप यहाँ पे फेम एक बोलते हैं ना, नाम फेम बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे आप पा सकते हो। इसके बाद बात करते हैं ब्यूटी की। अगर लड़कियां या लड़के हैं, कोई अनबॉक्सिंग करते कोई अच्छे हेयर स्टाइल क्रीम की या तो कोई जेल की या तो कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट की अगर आप करते हो तो ब्यूटी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। जहां पे आपके कॉम्पिटिटर बहुत कम है, अर्निंग बहुत अच्छी है, यहाँ पे आप देख सकते हो गार्नियर के एड्स आते हैं, तो कभी फेयर एंड हैंडसम के आते हैं, तो फेयर लवली, बहुत सारे एड्स ऐसी कंपनी देती है जो कि देखा जाए तो बहुत ज्यादा मिलते हैं। अगर देखा जाए तो
टेक्स से ज्यादा कमाई आपको ब्यूटी चैनल में मिल सकता है और यहाँ पे कॉम्पिटिटर भी कम है। तो अगर आप ब्यूटी में इंटरेस्टेड हैं, या तो आप लड़कियां हैं या तो लड़के हो, अगर अच्छे अच्छे क्रीम्स तो आपके पास मिलते हैं तो आप ब्यूटी बहुत ले सकते हो। ब्यूटी आपके लिए एक अर्निंग के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है। बात करते हैं इसका ब्लॉग्स की, अगर देखा जाए तो ब्लॉग्स में भी अच्छी कमाई है, लेकिन इस पे थोड़ा टाइम लगता है सक्सेस होने में, क्योंकि इसमें सब्सक्राइबर बहुत स्लो बढ़ते हैं और एक बार अगर इसको ग्रो कर सकते हो तो आप बहुत ज्यादा ही अर्निंग होगी। अब अर्निंग इसमें ज्यादा क्यों होगी इसके बारे में बताना चाहता हूँ। अगर हम ब्लॉग बनाते हैं, हम घर से निकलते हैं, घर से कहीं पे जाते हैं, जाके आने तक हमारा वीडियो अगर देखा जाए तो 15 से 20 मिनट का बनता है, और अगर हम 10 मिनट के ऊपर की कोई वीडियो बनाते हैं तो उसमें मल्टी एड्स लगाते हैं। मल्टी एड्स मतलब एक वीडियो के अंदर 5 से 6 एड लगा सकते हैं। अगर वीडियो कोई वॉच कर रहा है, कोई सब्सक्राइबर अगर 2 से 3 एड भी देखता है तो उसकी अच्छी खासी आपको एड्स के पैसे मिलेंगे। तो आप समझ सकते हो कि अगर आप ब्लॉग्स बनाते हो तो आप एक 11 मिनट के ऊपर की वीडियो में 4 से 5 एड लगा के अच्छी अर्निंग कर सकते हो, जो कि यहाँ पे आप 10 व्यू कर रहे हो उतना आपकी एक ही वीडियो में 10 व्यू की आप अर्निंग कर सकते हो। तो ब्लॉग्स बहुत अच्छा होगा। अगर आप पैसन आपका घूमना है, अगर आप ज्यादा घूमने को पसंद करते हो, लाइफस्टाइल में मतलब कहीं आना जाना रहता है, तो आप ब्लॉग्स एक एज अ यूट्यूबर के लिए कैटेगरी बहुत अच्छा आपके लिए रहा, तो एक कैटेगरी चूज कर सकते हो एज अ ब्लॉग के लिए। इसके बाद बात करते हैं हम लोग कुकिंग की। अगर लड़कियां हैं तो उनके लिए एक और अच्छा ही ऑप्शन है कुकिंग का। जी हाँ, यहाँ पे बहुत रेसिपी देखते हैं, बहुत लोग रेसिपी बनाने सीखते हैं और यहाँ पे कॉम्पिटिटर भी आपको कम मिलेंगे। हाँ, हालांकि थोड़ा वीडियो अपलोड करना पड़ेगा। जब एक नंबर से आप अगर वीडियो अपलोड कर लेते हो तो कुकिंग चैनल सबसे बेस्ट है। कुकिंग चैनल में आपको कुछ डिशेज बनाना रहता है जिसको मतलब जो कि बहुत लोग सोचते हैं, आज धीरे धीरे कंप्यूटर इंटरनेट ऐसा बढ़ते जा रहा है कि सब लोग घर पे अगर कोई नहीं है तो सब मोबाइल चालू करते हैं, मोबाइल में देखते हैं डिश कैसे बनाना है, उसी पे देख के आप अपना कुकिंग का काम प्रोसेस मतलब करने चालू करते हैं। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है कुकिंग का। अगर लड़कियां हैं तो कुकिंग के लिए बहुत अच्छा उनके लिए साबित होगा। इसमें अगर अर्निंग की बात करें, कुकिंग का भी अर्निंग देखा जाए तो बहुत ही अच्छा है, एज अ टेक यूट्यूबर और इनके जैसा बराबर ही मिलेगा। तो उम्मीद है कि आप अपने हिसाब से कैटेगरी चुन लोगे और अपने हिसाब से एक चैनल यहाँ पे डिसाइड कर लोगे कि मुझे किस कैटेगरी में जाना है। जहां तक मेरी राय है, मैं आपको एक ही चीज बोलना चाहूंगा, आप जिस चीज में एक्सपर्ट हो वही चुनो, ताकि उसमें आप बहुत अच्छा कर सकते हो, उसमें आपको अपने हिसाब से आप अच्छे कंटेंट बना सकते हो, आप उसमें बेस्ट रहोगे और आप अच्छे बेस्ट क्वालिटी की वीडियो दे सकते हो। उम्मीद है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक करो, कमेंट करना चाहते हो तो कुछ बताना चाहते हो तो प्लीज कमेंट करो और चैनल सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन जरूर दबाना ताकि हमारे वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।